चलो ओके हाँ ओके फर्स्ट ऑफ ऑल इशार वेलकम टू आवर चैनल। हाय। नए शो में नए कैरेक्टर को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है आपके, तो किस तरीके के रिस्पांस फैमिली फ्रेंड ऑडियंस के मिल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? रिस्पांस तो अच्छा ही है, जैसे बिकॉज ये 3 डेज अ वीक शो है, वेब शो है, तो मतलब डिपेंडिंग ऑन द स्टोरी रिस्पांस आता है, लोग टैग करते हैं, पोस्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एंड मेरा फर्स्ट वेब शो है ये, सो मैं यू नो आई वाज एनीवेज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। आपके शो के बारे में बात करें, राय सिंघानिया वैसे राय सिंघानी में मैं इंडियन क्रिकेट टीम का प्लेयर हूँ, मतलब वन ऑफ द टॉप क्रिकेटर्स ऑफ द कंट्री, और मैं एक क्रिकेट लीग का कैप्टन भी हूँ। सो शो के स्टार्ट में कैसे मुझे फंसाने की कोशिश की जाती है, एक लड़की मुझ पर झूठा केस कर देती है ताकि मेरा नाम ख़राब हो, और यू नो काइंड ऑफ ब्लैकमेलिंग मी, वैसी सिचुएशन थी। तो वो स्टोरी तो अपनी चली गई है अभी, पर उसने जो केस फाइल किया था वो वापस हमें रीओपन करना पड़ता है बिकॉज मुझे बेल मिली होती है, तो आई एम स्टिल नॉट यू नो फ्री फ्रॉम दैट केस। सो अभी मेरी स्टोरी राय सिंघानी में वही चल रही है कि कैसे मैं यू नो प्रूव करता हूँ कि मैं इनोसेंट हूँ, और ये पूरा एक ट्रैप था, सेटअप था, मतलब बिकॉज मैं इंडियन क्रिकेट टीम का प्लेयर हूँ तो मुझे फंसाने का पूरा सेटअप था। तो मेरी वो जर्नी है एंड तक कि यू नो ये केस से मैं कैसे फ्री होऊंगा, क्या था, व्हाट्स द ट्रूथ, ये सब क्यों था, यू नो इसके पीछे का मोटिव क्या था, एंड हाउ इट्स कनेक्टेड टू द मेन स्टोरी। हर शो में मतलब जो मैंने जिस तरह के कैरेक्टर किए हैं सब एक दूसरे से बहुत डिफरेंट रहे हैं, तो हर कैरेक्टर एक अलग ही एक्सपीरियंस है बिकॉज यू नो मुझे एक अलग ही इंसान बनने का मौका मिल रहा है, मैं एक अलग सी लाइफ जी रहा हूँ। और नॉर्मली जब भी मैं कोई रोल करता हूँ तो वो कैरेक्टर मेरे साथ इतना अटैच हो जाता है कि 24/7 यू नो वो उसकी हमेशा एक रिफ्लेक्शन मेरे अंदर रहती है। सो हर शो का मेरा एक अलग एक्सपीरियंस था, किसी में मैं कॉप था, किसी में मैं कॉप, हाँ मैं एक्चुअली कॉप मैं इनफैक्ट 3-4 बार कर चुका हूँ, पर हर बार मैं अलग अलग टाइप के कॉप किए, कोई सीरियस था, कोई थोड़ा दबंग वाले मोड में था। सो एक्सपीरियंस सब में अच्छा था। अभी रिसेंटली भी मैंने एक शो किया था जिसमें अगेन मैं कॉप था, पर इस टाइम मैं प्योर ही प्रोफेशनल सीरियस कॉप था जो इन्वेस्टिगेट करता है, नाम इन स्टार भारत के लिए दो शो था जो रैप अप हो गया। आई थिंक मुझे जो मैं अभी तक नहीं मुझे मिला है एक आउट एंड आउट कॉमेडी रोल मैं करना चाहता हूँ, जैसे सब टीवी पे आते हैं और यू नो उस तरह के जो शोज़ होते हैं जो पूरा कॉमेडी बेस्ड होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी, सो वैसा मैं रोल करना चाहूँगा, बट लेट्स सी, आई मीन वैसे शोज़ कम ही बनते हैं। कॉमेडियन एक्टर ऐसा नहीं, बट मेरा ऑल टाइम फेवरेट आई विल से जॉनी लीवर, मतलब उनके तो मैं कोई भी सीन उठा के देख लूँ किसी भी मूवी में तो मुझे यू नो हमेशा ही बहुत ही एंटरटेनिंग लगे उनके सीन्स। बाकी टेलीविज़न में कॉमेडी के लिए मतलब मैं ऐसा कोई पर्टिकुलर एक्टर का तो नाम नहीं लूँगा बिकॉज आई डोंट नो, यहाँ पे शायद मे बी बहुत स्क्रिप्ट बेस्ड होता है और सिचुएशन बेस्ड होता है, बट ऑल ओवर आई विल से आई मीन समवन लाइक जॉनी लीवर, यू नो दोज़ काइंड ऑफ सीन्स। OTT is मतलब इज़ आई मीन दे आर गुड प्लेटफॉर्म्स ऑन OTT, और वहाँ पे एक्चुअली क्वालिटी वाला काम होता है, मतलब कंपेयर टू ठीक है टीवी शो में कोई एक शो में हम जाते हैं तो वो कितना लंबा चलेगा पता नहीं, बट OTT में एज एन एक्टर वी हैव अ क्लैरिटी कि हाँ मतलब यू नो ये मेरा कैरेक्टर है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म होगी स्टोरी। सो एंड क्रिएटिवली एंड क्वालिटी वाइज इट्स बेटर देन TV आई वुड से। So this, like working in my first OTT show, this Raya Singhani versus Raya Singhani on Sony Live. So I had a great experience in it. And I want to do more OTT shows. Of course, TV,
आई लव डूइंग टीवी, आई मीन वो एक अलग ही मीडियम है, बट ओटीटी इज अनदर लेवल. रियलिटी शोज़ खतरों के खिलाड़ी ऑफ कोर्स, बिकॉज वो एक फिजिकल एंड मेंटल कंपटीशन बेस्ड शो है, सो ऑफ कोर्स आई वुड लव टू डू दैट. बिग बॉस इज, आई मीन पहले मुझे लगता था कि नहीं करना चाहिए, अब थोड़ा बिग बॉस भी इवॉल्व हो गया है, सो आई मीन आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम डूइंग बिग बॉस नाउ. हाँ, मेरा ऑनेस्टली मेरा मुंबई में फेवरेट सीज़न मानसून सीज़न ही है, बिकॉज यू नो थोड़ा वेदर भी अच्छा हो जाता है और आपको ट्रैवल करने का मन करता है कि चलो कहीं निकलते हैं महाराष्ट्र के अंदर ही, फॉर एग्जांपल गोवा, लोनावला. सो दैट्स द टाइम व्हेन आई लाइक टू ट्रैवल, अदरवाइज़ बाकी टाइम तो गर्मी इतनी होती है और बट मानसून इज़ अ टाइम व्हेन आई रियली वांट टू गो आउट, सी द नेचर, एंजॉय द वेदर, द रेन्स. मतलब इट वाज वेरी अनरियल, मतलब बिकॉज मैंने उस एड के लिए ऑडिशन किया था और हाँ वो पापा बेटे बने थे, बट वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज जस्ट दो दिन पहले ही मुझे कॉल आया कि ऐसा कोई ऐड है, यू वांट टू ट्राई फॉर इट. मैंने कहा ठीक है ट्राई करते हैं, एंड एक्चुअली व्हेन आई गॉट इट आई वाज रियली यू नो वो सिंक इन ही नहीं हुआ, यू नो टिल द टाइम आई एक्चुअली मेट हिम ऑन द सेट. तो इट वॉज काइंड ऑफ अ ड्रीम कम ट्रू, बिकॉज उनके साथ काम कौन नहीं करना चाहेगा, वो एंड स्पेशली अगर आप बाप बेटे वाली यू नो सीक्वेंस में हो, रोल में हो, तो इट वॉज अ रियल फन वर्किंग विद हिम. आई होप मुझे फिर मौका मिले उनके साथ काम करने का, बिकॉज वो थोड़ा ठीक है ऐड था शॉर्ट ड्यूरेशन, बट आई होप कुछ और लंबा करने को मिले उनके साथ. बॉलीवुड एक्टर्स आई वुड से मिस्टर अमिताभ बच्चन ऑफ कोर्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अक्षय कुमार, और मतलब इतनी कोई लंबी लिस्ट नहीं है मेरी, सो दीज आर द आई मीन फ्यू एक्टर्स आई ऑलवेज वॉन्टेड टू वर्क विथ. अभी तो और बाकी इतने नए आ गए उनका तो मैं मतलब मुझे इतना नहीं है, बट जो अभी तक से थे यू नो व्हेन आई वाज वॉचिंग देम वाइल ग्रोइंग अप, सो दीज आर फ्यू एक्टर्स हुम आई रियली रिस्पेक्ट because of their discipline and you know their focus in this field, the performance, their talent, everything. Lastly, क्या कुछ कहना चाहेंगे audience को, upcoming projects? अभी upcoming projects तो मैं ऐसा कुछ अभी disclose नहीं करना चाहूँगा, but currently जो मेरा show चल रहा है Rai Singhani versus Rai Singhani on Sony Live, आप please देखते रहिए. I mean you'll really enjoy it because one of a kind show है, web show, it's of 100 plus episodes and very different concept. So please do watch it for me and for other actors in the show. Thank you. Thank you.